ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अब उसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी तीन डेफिनेशन है। सबसे पहली, अगर बीपी इज इक्वल टू और मोर देन 140/90 mmHg ऑन टू ओकेशंस विच आर एटलीस्ट 4 आवर्स अपार्ट, ओके, तो हम डायग्नोस करेंगे कि वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है या फिर PIH। ओके, बीपी मोर देन इक्वल टू 140/90 ऑन टू ओकेजन्स एटलीस्ट 4 आवर्स अपार्ट। ये थी फर्स्ट डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों एलिवेटेड होने चाहिए। अगर सिस्टोलिक मोर देन 140 है या फिर सिर्फ डायस्टोलिक मोर देन 90 है या फिर दोनों एलिवेटेड है तो उसे भी हम कहेंगे इट इज़ केस ऑफ PIH। ओके, ओनली सिस्टोलिक मोर देन 140, ओनली डायस्टोलिक मोर देन 90 और बोथ एलिवेटेड। तीसरी डेफिनेशन है, बीपी मोर देन 160/110 mmHg ऑन टू ओकेशन विद इन 15 to 30 minutes अपार्ट, तो भी हम कहेंगे इट इज़ अ केस ऑफ PIH। ऐसे केसेस में हमें बिल्कुल भी राह नहीं देखनी है और हमें इमीडिएटली वी आर टू एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एज सून एज पॉसिबल और विद इन 30 to 60 minutes। ओके, अगर 160/110 mmHg अगर ब्लड प्रेशर आता है ऑन टू ओकेशन विद इन 15 minutes अपार्ट, देन इमीडिएटली वी आर टू एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ये थी डेफिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। क्या थी? बीपी मोर देन इक्वल टू 140/90 mmHg ऑन टू ओकेशन एटलीस्ट 4 आवर्स अपार्ट। इन दोनों में से कोई एक भी एलिवेटेड होगा तो भी हम कहेंगे इट इज़ अ केस ऑफ PIH। क्लासिफिकेशन देखते हैं, ACOG क्लासिफिकेशन। तो कैटेगरी 1 हम किसे कहेंगे? प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया सिंड्रोम, इट इज क्लासिफाइड एज कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 इट इज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। कैटेगरी 3 इट इज क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। एंड कैटेगरी 4 इज क्रॉनिक हाइपरटेंशन विथ सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्शिया। तो ये ACOG क्लासिफिकेशन। कैटेगरी 1 इज प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया सिंड्रोम, कैटेगरी 2 इज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, 3 इज क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी एंड 4th इज क्रॉनिक हाइपरटेंशन विथ सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्शिया। अब जो स्क्रीनिंग होती है वो हम कब करते हैं? इट इज डन इन ऑल प्रेगनेंट वुमन, इन ऑल प्रेगनेंट फीमेल, इन ईच एंटीनेटल विजिट। ओके, हर एक एंटीनेटल विजिट में हमें स्क्रीनिंग करनी होती है ऑफ PIH। इट इज डन बाय 2 मेथड। पहली है बाय बीपी मेजरमेंट, दूसरी है बाय चेकिंग फॉर प्रोटीनूरिया विथ डिपस्टिक मेथड। ओके, ये 2 मेथड से हम स्क्रीन करेंगे पेशेंट को फॉर PIH, याद रखना इन ईच एंटीनेटल विजिट। कौन से 2 मेथड है? एक बाय चेकिंग ब्लड प्रेशर एंड दूसरा बाय चेकिंग फॉर प्रोटीनूरिया विथ डिपस्टिक मेथड। अगर ब्लड प्रेशर मोर देन इक्वल टू 140/90 आया ऑन टू ओकेशन एटलीस्ट 4 आवर अपार्ट तो उसे हम कहेंगे इट इज अ केस ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अगर बीपी अगर ज्यादा आता है तो वी हैव टू ऑलवेज चेक फॉर प्रोटीनूरिया, ऑलवेज चेक फॉर प्रोटीनूरिया। अब एक सिनेरियो देखते हैं, सपोज कोई फीमेल आई ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट तो हम क्या करेंगे? बीपी चेक करेंगे। सपोज अगर बीपी एलिवेटेड आया तो उसके बाद हम क्या देखेंगे? पीरियड ऑफ जेस्टेशन देखेंगे। अगर वो पीरियड ऑफ जेस्टेशन लेस देन 20 वीक हुआ तो हम कहेंगे कि इट इज़ अ केस ऑफ क्रॉनिक हाइपरटेंशन इज इन प्रेगनेंसी। इसका मतलब क्या होता है? हाइपरटेंसिव फीमेल हैज़ कंसीव्ड। अगर पीरियड ऑफ जेस्टेशन मोर देन 20 वीक हुआ तो हम कहेंगे कि इट इज़ अ केस ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसका मतलब क्या था? नॉर्मोटेंसिव फीमेल हैज कंसीव्ड एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल हैज डेवलप्ड हाइपरटेंशन। ओके, तो मेन कौन सी चीज़ है? पीरियड ऑफ जेस्टेशन। अगर 20 वीक से कम होती है तो हम कहेंगे कि इट इज़ अ क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। अगर मोर देन 20 वीक है तो हम कहेंगे इट इज़ अ केस ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी के केस में बीपी नॉर्मल लेवल पे नहीं आता इवन आफ्टर 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी, लेकिन PIH के केस में बीपी कम्स बैक टू नॉर्मल लेवल आफ्टर 12 वीक्स। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी एंड PIH। तो इन दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो हमने देख लिया। अब देखते हैं PIH के बारे में पर से। सपोज कोई फीमेल आई जिसका पीरियड ऑफ जेस्टेशन मोर देन 20 वीक है, उसका ब्लड प्रेशर हमने लिया इट इज़ मोर देन 140/90 ऑन टू ओकेशन, तब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वी विल चेक फॉर प्रोटीनूरिया, चेक फॉर प्रोटीनूरिया अगर बाय डिपस्टिक मेथड, नॉर्मली बाय डिपस्टिक मेथड। अगर प्रोटीनूरिया मोर देन इक्वल टू +1 आता है बाय डिपस्टिक मेथड देन वी हैव टू डू 24 आवर प्रोटीन एक्सक्रीशन या फिर हम कर सकते हैं यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो। अगर 24 आवर प्रोटीन एक्सक्रीशन मोर देन इक्वल टू 300 mg आता है या फिर अगर हम यूरिन प्रोटीन इज टू क्रिएटिनिन रेशियो करते हैं और वो अगर मोर देन इक्वल टू 0.3 आता है, इन शॉर्ट ये दोनों पॉजिटिव, इनमें से कोई भी अगर पॉजिटिव आता है
तो हम कहेंगे कि इट इज़ अ केस ऑफ प्री एक्लेम्शिया, इट इज़ अ केस ऑफ प्री एक्लेम्शिया। तो प्री एक्लेम्शिया पॉजिटिव होने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? सॉरी, उसके पहले मैं दूसरी एक चीज़ बताता हूँ। सपोज अगर प्रोटीनूरिया अगर नेगेटिव आया, प्रोटीनूरिया इज नेगेटिव, बीपी तो एलिवेटेड है ही, लेकिन प्रोटीनूरिया नेगेटिव आया तो हमें क्या देखना पड़ेगा? साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज। ये अगर पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे इट इज़ अ केस ऑफ प्री एक्लेम्शिया, लेकिन ये अगर नेगेटिव आया, प्रोटीनूरिया भी नेगेटिव और एंड ऑर्गन डैमेज वो भी नेगेटिव, ओनली बीपी इज एलिवेटेड, देन इसे हम कहेंगे कि इट इज़ अ केस ऑफ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ओके, अब मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सपोज कोई फीमेल आई ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट, उसका हमने बीपी चेक किया, बीपी आया मोर देन 140/90 ऑन टू ओकेशन एटलीस्ट 4 आवर अपार्ट। फिर हम क्या चेक करेंगे? प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया या तो पॉजिटिव आ सकता है या फिर नेगेटिव आ सकता है। अगर पॉजिटिव आया तो इट इज़ अ केस ऑफ प्री एक्लेम्शिया, अगर नेगेटिव आया तो फिर हम करेंगे देखेंगे कि इफ देयर इज एनी साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज। अगर एंड ऑर्गन डैमेज की साइन अगर प्रेजेंट है तो फिर हम कहेंगे इट इज अ केस ऑफ प्री एक्लेम्शिया, अगर नहीं है तो हम कहेंगे इट इज अ केस ऑफ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीनूरिया नॉर्मली हम कैसे चेक करेंगे? चेक करेंगे बाय डिपस्टिक मेथड। दूसरा है 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन एक्सक्रीशन, दूसरा है यूरिन प्रोटीन इज टू क्रिएट रेशियो। डिपस्टिक में मोर देन इक्वल टू प्लस वन आना चाहिए, 24 आवर यूरिन प्रोटीन एक्सक्रीशन वो मोर देन इक्वल टू 300 mg, और यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो वो आना चाहिए मोर देन इक्वल टू 0.3। इसमें से गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड कौन सी है? इट इज 24 आवर यूरिन प्रोटीन एक्सक्रीशन, वो है गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड। इसमें जो प्रोटीन यूरिया आएगा उसमें हमें सिर्फ ग्रैन्यूलर कास्ट देखने को मिलेगी, ओके, ओनली ग्रैन्यूलर कास्ट। अगर हमें रेड सेल कास्ट और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साइन अगर देखने को मिले तो हम कहेंगे कि इट इज़ अ क्रॉनिक हाइपरटेंशन विथ रीनल डिसीज। तो ये पूरा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज हम मैंने बोला, तो साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज क्या क्या होंगी? तो साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज, ओके, साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज, तो प्लेटलेट काउंट अगर लेस देन इक्वल टू 1 लाख हो, या फिर लीवर एंजाइम्स एलिवेटेड होते हैं ऑलमोस्ट ट्वाइस द नॉर्मल वैल्यू एसोसिएटेड विद एपिगैस्ट्रिक पेन, सीरम क्रिएटिनिन के लेवल एलिवेटेड हो, पल्मोनरी इडिमा हो, या फिर कोई भी विजुअल सिम्टम्स हो और हेडेक हो, दिस आर द साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज। तो ये हम देखेंगे, ओके, एक आ गया ब्लड का कंपोनेंट है प्लेटलेट काउंट, दूसरा है लीवर का लीवर एंजाइम एलिवेटेड हो, तीसरा है किडनी का विच सीरम क्रिएटिनिन, चौथा है लंग का विच इज पल्मोनरी इडिमा, और लास्ट फिफ्थ है CNS का विच इज विजुअल सिम्टम्स और हेडेक। दीज आर द साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज। अब सपोज कोई पेशेंट में प्री एक्लेम्शिया डायग्नोस हो गया है, अब उसके टाइप्स कौन कौन से होंगे? एक हो सकता है अर्ली ऑनसेट, दूसरा लेट ऑनसेट, तीसरा है टर्म ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट कब होगा? 20 to 34 weeks, लेट ऑनसेट टिल 37 weeks, टर्म ऑनसेट आफ्टर 37 weeks। ये थी बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ जेस्टेशन। दूसरी है बेस्ड ऑन सीवियरिटी, बेस्ड ऑन सीवियरिटी इट कैन बी माइल्ड और सीवियर। माइल्ड में इट इज माइल्ड में सीवियर फीचर्स एब्सेंट होता है, जबकि सीवियर में सीवियर फीचर्स प्रेजेंट होता है, तो ये सीवियर प्री एक्लेम्शिया। ये एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ये सारे सीवियर फीचर्स दिए हुए हैं, तो माइल्ड प्री एक्लेम्शिया में ये सारे फीचर्स एब्सेंट होंगे, जबकि सीवियर प्री एक्लेम्शिया में ये सारे फीचर्स प्रेजेंट होंगे। तो फीचर्स कौन कौन से है? तो हमें सबसे पहले बीपी चेक करना होता है, इफ इट इज मोर देन 140/90 तो इट इज माइल्ड प्री एक्लेम्शिया, अगर मोर देन 160/90 देन इट इज सीवियर प्री एक्लेम्शिया। अगर इट इज एसोसिएटेड विद एनी हेडेक, एपिगैस्ट्रिक पेन, विजुअल सिम्टम्स, कन्वर्जन या एनी साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज देन इट इज सीवियर प्री एक्लेम्शिया, सॉरी प्री एक्लेम्शिया विद सीवियर फीचर्स, ये विदाउट सीवियर features and it is with severe features. अब signs of impending eclampsia वो क्या होता है? Signs of impending eclampsia, सबसे पहले तो सिर्फ eclampsia क्या होता है? तो eclampsia it is severe pre-eclampsia plus convulsions. तो अगर कोई पेशेंट में सीवियर प्री एक्लेम्शिया होगा प्लस उसे convulsions भी आ रहे होंगे then it is known as eclampsia. तो signs of impending eclampsia वो कौन कौन से होंगे? तो ये चार होंगे, एक headache which is not relieved by analgesic, दूसरा है epigastric pain, तीसरा है विजुअल सिम्टम्स। अगर ये तीन होंगे then it is a sign of impending eclampsia. तो ये थे डिफरेंस बिटवीन माइल्ड प्री एक्लेम्शिया एंड सीवियर
प्री एक्लेम्शिया, माइल्ड में लेस देन 140/90, अगर सीवियर में मोर देन 140/90 एंड सीवियर में मोर देन 160/90। अगर ये सारे फीचर्स एब्सेंट होंगे और सिर्फ बीपी अगर मोर देन 160/90 होगा तो भी हम यही कहेंगे इट इज अ प्री एक्लेम्शिया विद सीवियर फीचर्स। ओके, बीपी इज द मेन फर्स्ट क्राइटेरिया। उसके बाद आता है बाकी सारे सिम्टम्स लाइक हेडेक, एपिगैस्ट्रिक पेन, विजुअल सिम्टम्स, कन्वर्जन्स एंड साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज। कौन कौन से क्राइटेरिया में नहीं आते सिम्टम्स, वो है ओलिगुरिया नहीं आता, दूसरा IUGR नहीं आता, और तीसरा है प्रोटीनूरिया क्वांटिफिकेशन। तो ये तीनों डायग्नोसिस में यूज नहीं होते फॉर डायग्नोसिंग सीवियर प्रीएक्लेम्शिया। अब अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, कोई फीमेल है जिसका बीपी मोर देन 140/90 है और उसका प्रोटीनूरिया पॉजिटिव है तो उसका डायग्नोसिस क्या होगा? सिंपल, इट इज़ अ केस ऑफ प्रीएक्लेम्शिया। अगर प्रोटीनूरिया एब्सेंट हो और एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट हो देन इट इज़ अ केस ऑफ प्री एक्लेम्शिया। अगर ये जो ऊपर के तीन सिम्टम्स बता दिए अगर ये प्रेजेंट हो देन इट इज़ अ इम्पेंडिंग एक्लेम्शिया।